क्या वन, एक्सपेरिमेंट नंबर वन। अब मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर टू। एक्सपेरिमेंट नंबर टू मैंने ये किया कि मैंने फिर से ए ले लिया, फिर से क्या ले लिया ए, और ए का अभी भी मैंने कितना वॉल्यूम लिया VML जो मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में लिया था, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, ये जो मेरे पास सैंपल सी था वो मिला दिया। अब कंडीशन अपने पास रिएक्शन में क्या क्या है कि ए और कौन रिएक्ट कर सकते हैं, ए किससे रिएक्ट कर सकता है प्योर पार्ट ऑफ सी से, ठीक है, लेकिन सी बी से रिएक्ट नहीं कर सकता, ना बी ए और सी के प्रोडक्ट से रिएक्ट कर सकता है। काम की बात समझना। अब जब मैं इस ए में सी डाल रहा हूं तो प्योर पार्ट ऑफ सी क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा किससे, ए से रिएक्ट कर जाएगा, तो ए के कुछ इक्विवेलेंट्स खर्च हो जाएंगे किससे रिएक्ट करने में, सी से रिएक्ट करने में हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसी में क्या डालूंगा, बी डालूंगा। बी क्या, बी का कंसंट्रेशन अभी भी कितना है N1। V का वॉल्यूम सपोज मेरे पास यूज हुआ कितना V2। A को न्यूट्रलाइज करने में अब B का कितना वॉल्यूम यूज हुआ V2। क्या उतना ही वॉल्यूम अभी भी यूज होगा जितना पहले, नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा कि उससे कम होगा, ठाकुर बोल देगा तो मैं समझ लूंगा कि सबके समझ में आ गया, कम होगा क्यों, सबको बताओ कि ये जो अब B का वॉल्यूम लगेगा वो कम यूज कम लगेगा, पहले जितना लग रहा था उससे कम लगेगा, क्यों, हाँ क्योंकि ए का पार्ट किससे रिएक्ट कर चुका है, सी से रिएक्ट कर चुका है, सी से रिएक्ट कर चुका है, तो अब जो ए के फ्री इक्विवेलेंट बचे हैं वो कम है, पहले तो पूरा का पूरा ए मैदान में कौन था, ए ही था, उसके इक्विवेलेंट्स क्या थे, ज्यादा थे, लेकिन अब उसका ए का कुछ पार्ट किससे रिएक्ट कर चुका, सी से रिएक्ट कर चुका, तो अब जो इस सोल्यूशन में ए के इक्विवेलेंट्स हैं वो क्या है, कम, इसमें अपन फिर से क्या डाल रहे हैं, बी डाल रहे हैं, बी की नॉर्मेलिटी अभी भी क्या है, क्योंकि वो तो नॉन सोल्यूशन है। अब मैं बी जब डालूंगा तो बी का कितना वॉल्यूम यूज होगा, V2 वॉल्यूम यूज होगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पहले हमारे पास इक्विवेलेंट्स जो थे ए के वो कितने थे N1 V1, और अब जो हमारे पास ए के इक्विवेलेंट्स हैं वो कितने हैं N1 V2, कितने N1 V2, तो खर्च कितने हो गए N1 V1 - N1 V2, खर्च हो गए, काय में खर्च हो गए, सी से रिएक्ट करने में, तो सी के इक्विवेलेंट्स कितने हुए होंगे N1 V1 - N1 V2, क्योंकि ए बचा है, कितना बचा है, सी से रिएक्ट कर गया, पहले ए के इक्विवेलेंट कितने थे N1 V1, बाद में कितने बचे N1 V2, क्योंकि बी से जब कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है तो अब बी के इक्विवेलेंट्स कितने N1 V2, तो ए के भी कितने N1 V2, तो पहले थे N1 V1 और अब बचे कितने N1 V2, तो खर्च कितने हो गए N1 V1 - N1 V2, काय में खर्च हो गए, सी से रिएक्ट करने में, तो सी के कितने हुए होंगे इक्विवेलेंट्स N1 V1 - N1 V2, सी के इक्विवेलेंट्स आ गए, सी के इक्विवेलेंट अगर आ गए तो इक्विवेलेंट से अपन क्या निकाल लेते हैं मोल, और मोल से अपन क्या निकाल लेते हैं मास, तो दिया सैंपल का W है और आ रहा है एक्स, तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी है X/W × 100। बात आती समझ में, ठीक है, बस यही लिखना है, थ्योरी लिखने से कछु नहीं होना, तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि ये बैक टाइट्रेशन क्या है, और इसको बैक क्यों कह रहे हैं कि पहले ए के कुछ और इक्विवेलेंट्स थे, रिएक्ट करने के बाद फिर से उसको किससे टाइट्रेट कर रहे हैं बी से, तो बचे हुए को टाइट्रेट करेंगे कभी भी तो वो क्या कहलाएगा बैक टाइट्रेशन, बचे हुए को कभी भी टाइट्रेट कर रहे हैं किसी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से तो वो हमेशा क्या कहलाएगा बैक टाइट्रेशन। बात आई समझ में, तो अब लिखना शुरू करें फिर अपन ये कहानी एक बार और कर लेंगे, या आप बोलो तो मैं नहीं, पहले तुम लिख लो फिर अपन आगे लिखेंगे तो ठीक रहेगा, और ये थोड़ा सा अपने को एक कॉमन सेंस भी रखना है इस कहानी में, वो क्या कॉमन सेंस रखना है कि ए कम से कम इतना ले कि वो सी से रिएक्ट करने के बाद भी बच जाए, नहीं तो तुम 2 ml ले लो और उसमें 50 g सी डाल दो तो ए हाँफ जाएगा कि यार क्या कर रहा हूं, तो ए हमेशा थोड़ा सा किस में लेना है एक्सेस में, ठीक है ना, मतलब कितना एक्सेस में, जितना हमें ये समझ जाए, हमें पता चले कि सैंपल कितना है 5 g है तो 50 ml ले लो,
10 ग्राम है 100 ml ले लो, थोड़ा सा मतलब ऐसा रहे कि पूरा सी उसमें क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए और उसके बाद भी ए थोड़ा सा बच जाए, तभी अपने को बचे हुए पता चल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आगे लिखो, वी टेक अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए इन अ फ्लास्क, वी टेक अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए इन अ फ्लास्क, और ब्रैकेट में लिखना ए शुड बी इन लिटिल एक्सेस, ए शुड बी इन लिटिल एक्सेस सो दैट द इक्वलेंस ऑफ ए is greater or equal to equivalence of A is greater या equivalence of A are greater or equal to equivalence of C, equivalence of A are greater or equal to equivalence of C, C से react करने के बाद कुछ भी A नहीं बचेगा तो भी चलेगा, क्योंकि फिर उसका कोई volume use नहीं होगा, कोई volume use नहीं होगा तो N1 V2 zero हो जाएगा, तो N1 V1 क्या हो गया, पूरा का पूरा खर्च हो गया, तो C कितना था, जितना N1 V1 था, तो वहां से भी निकाल सकते हैं, तो बराबर भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि बचा हुआ ही से हम निकालेंगे कि C में A कितना खर्च हो गया था। आगे लिखो, वी परफॉर्म अ सिंपल टाइट्रेशन of A with B, we perform a simple titration of A, we perform a simple titration of A with B, let the volume of B used in reaction with A be V1 liter, with A BE वाला B, with A be V1 liter है, हाँ liter ना, equivalents की बात कर रहे हैं तो liter ले लेंगे, तो B का volume suppose कितना use हुआ, V1 liters, ठीक है, so the equivalence of A will be N1 V1. So the equivalence of A will be N1 V1. B की normality कितनी थी? N1, उसका volume कितना use हुआ? V1 liter. तो हमने पता कर लिया कि equivalent A के कितने हैं? Flask में equivalent कितने पड़े हुए हैं A के? N1 V1. ठीक है? Now we perform another reaction. Now we perform another reaction in which solution A is taken. Abhi experiment number kaun sa hai? 2, second experiment. Now we perform another reaction in which solution A is taken, और ब्रैकेट में लिखना same volume as earlier. When C is added to this, pure part of C reacts with A and the excess of A is being titrated with B. The volume of B used up is now
suppose V2 liters is now suppose V2 liters. So equivalents of B consumed by excess of A is equal to kitna N1 V2. Badiya. Excess of equivalents of B consumed by excess of A is N1 V2. So equivalents of A left in excess, equivalents of A left in excess after reacting with pure C is equal to N1 V2. So the equivalents of A left in excess after reacting with pure C is equal to N1 V2. Next line likho. Equivalents of A that reacted with pure C. Equivalents of A that reacted with pure C. Equivalents of A that reacted with pure C is equal to N1 V1 minus N1 V2. N1 V1 minus N1 V2. उसके नीचे वाली लाइन में लिखो equivalents of pure C is equal to N1 V1 minus N1 V2. Equivalents of pure C is equal to N1 V1 minus N1 V2. ये पूरी कहानी में क्या कह रहे हैं सुन लो फिर से. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें A का कोई वॉल्यूम फ्लास्क में ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई हमने B से जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है N1, इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ इससे कंप्लीटली रिएक्ट करने में V1. इसका मतलब इक्विवेलेंस ऑफ A पहले हमारे पास कितने हैं N1 V1. अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें A उतने ही वॉल्यूम में लिया जितना कि पहले एक्सपेरिमेंट में लिया था, इसमें सैंपल C डाल दिया, C का सैंपल डाल दिया तो A और C रिएक्ट कर सकते हैं, तो A और C का कुछ पार्ट रिएक्ट कर गया, मतलब A के कुछ इक्विवेलेंस खर्च हो गए किससे रिएक्ट करने में, C से रिएक्ट करने में खर्च हो गए. ठीक है, बचे कितने, कैसे निकालेंगे, B से टाइट्रेट करके. B का नॉर्मेलिटी अभी भी B की कितनी है N1, और अब B का कितना वॉल्यूम यूज हुआ V2, तो एक्सेस ऑफ A कितना है N1 V2, तो खर्च कितना हो गया होगा, पहले कितना था N1 V1, बाद में कितना बचा N1 V2, तो खर्च कितना हो गया N1 V1 माइनस N1 V2, वही बराबर रहेगा किसके, प्योर पार्ट ऑफ C के. तो इक्विवेलेंस ऑफ C क्या हो गया N1 V1 माइनस N1 V2. तो इक्विवेलेंस ऑफ C, यही काम की बात हम डराइव कर चुके कि इक्विवेलेंस ऑफ C कितना है N1 V1 माइनस N1 V2. इक्विवेलेंस और मोल में क्या रिलेशन होता है, मोल्स इक्वल टू इक्विवेलेंस बाय N फैक्टर. तो साहब मोल्स ऑफ C कितने कैसे आएंगे, इक्विवेलेंस ऑफ C ये है, तो मोल्स ऑफ C क्या होगा N1 V1 माइनस N1 V2, ये इसके इक्विवेलेंट्स है, डिवाइडेड बाय N फैक्टर ऑफ क्या C, क्योंकि मोल्स क्या होता है इक्विवेलेंट्स बाय N फैक्टर. अपन ने तीन चीजें ही देखी है भैया, बार बार अपन उसी की बात कर रहे हैं कि मोल्स इक्वल टू क्या, इक्विवेलेंट्स बाय N फैक्टर, और मास इज इक्वल टू क्या, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट. तो सबसे पहला हमारा कोई भी टाइट्रेशन में सबसे पहले हमारा मकसद क्या है, क्या निकालना, इक्विवेलेंट्स. दूसरा मकसद क्या है, इक्विवेलेंट से मोल्स निकालना. और तीसरा मकसद क्या है, मोल्स से मास निकालना. इसलिए सबसे पहले हम मेहनत कर रहे हैं क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंट्स. इक्विवेलेंट से हमने क्या निकाल लिया,
मोल्स, क्योंकि मोल्स क्या होता है, इक्विवेलेंट बाय एन फैक्टर, किसका एन फैक्टर, जिसका मास निकालना हो, जिसके मोल निकालने हो, तो मोल निकालने सीखे, इसलिए एन फैक्टर भी किसका लेंगे, सीखा। और फिर अल्टीमेटली हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, मतलब प्योर सी का मास निकालना है, सैंपल का मास दिया हुआ है कितना डब्ल्यू ग्राम, तो सी का मास कितना होगा, मास ऑफ सी विल बी इक्वल टू क्या, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और मोल्स क्या है, एन वन वी वन माइनस एन वन वी टू अपॉन क्या, एन सी। ठीक, तो यहां से फाइनली क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सी। अब और क्या बचा, परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, मास ऑफ सी या मास ऑफ प्योर सी डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मास जो कि डब्ल्यू ग्राम्स है, इंटू क्या, 100। तो फाइनली हम क्या निकाल पाएंगे, परसेंटेज प्योरिटी। और अपन कह भी रहे हैं कि द पर्पज ऑफ बैक टाइट्रेशन इज टू डिटरमाइन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एन इम्प्योर सैंपल। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो मोल्स हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो मोल्स हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट्स बाय एन फैक्टर। कौन सा फॉर्मूला बता रहा है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा यार, तूने पढ़ा हो तो बात अलग है, तो तू उससे निकाले आना। ठीक, मोल्स इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स बाय क्या, एन फैक्टर। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, मोल्स, और मोल्स से क्या आ जाएगा, मास। क्वेश्चन लिखे, ऑफ अ सैंपल ऑफ, ये सब लिख लिया कि नहीं, लिखो ना, तो फिर जल्दी लिखो, डिजॉल्व्ड इन 50 मिलीलीटर ऑफ .5 नॉर्मल एच सी एल सोल्यूशन, 50 मिलीलीटर ऑफ .5 नॉर्मल एच सी एल सोल्यूशन, द एक्सेस ऑफ एच सी एल, द एक्सेस ऑफ एच सी एल वॉज बैक टाइट्रेटेड, द एक्सेस ऑफ एच सी एल वॉज बैक टाइट्रेटेड विद 0.3 नॉर्मल NaOH, विद 0.3 नॉर्मल NaOH, द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड वॉज 20 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल, करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ए कौन है, एस सी एल, और सोल्यूशन बी कौन है, बस कुछ कर रहा है क्या, 40% किसने बोला था, तूने बोला था, गलत। और क्या क्या बोल रहा हूं, 0.22%, 0.44%, वो सब गलत है, 1.96%, 2.12% सब गलत है, 1.4% सही आंसर है। अब देखो कैसे, हमें सबसे पहले तो दिया हुआ है सैंपल किसका, CaOH होल ट्वाइस का, और इसका वेट हमें दिया हुआ है कितने ग्राम्स, 50 ग्राम्स। सोल्यूशन ए कौन हो गया, HCl, सोल्यूशन बी कौन हो गया, NaOH। जो थ्योरी अपन पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं कि क्या हो गया, सोल्यूशन ए कैसा है, अननोन, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसमें अननोन नहीं है, तो हमारी एक स्टेप बच जाएगी। कौन सी स्टेप बच जाएगी, कि हम जो ए को टाइट्रेट करके बी से ए के इक्विवेलेंट्स निकालते थे वो बच जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें HCl का क्वेश्चन में ही दी हुई है क्या, नॉर्मेलिटी, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्या उसका,
वॉल्यूम 25 मिलीलीटर दिया है क्या? कितना दिया है? 50 मिलीलीटर, तो 50 मिलीलीटर, तो हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है और हमें नॉर्मेलिटी भी दी हुई है, तो क्या हम इसके इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं? तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl हमें दिए ही हुए हैं, तो हमें HCl को NaOH से इनिशियली टाइट्रेट करके इक्विवेलेंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HCl हमें ऑलरेडी दिया हुआ है नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों, और नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल लेंगे? इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स क्या होगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम को लीटर में, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 0.5 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये वॉल्यूम इन क्या हो गया? लीटर। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl क्या हो गए? 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये कौन से इक्विवेलेंट्स हैं HCl के? इनिशियल, क्योंकि HCl सॉल्यूशन ही हमें दे रहे हैं, 0.5 नॉर्मल और 50 ml, तो इनिशियली HCl के इक्विवेलेंट्स हमारे पास कितने हैं? 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बात आई समझ में? अब कह रहे हैं कि साहब ये A में HCl में क्या डाल दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैंपल डाल दिया, तो जो बचा हुआ HCl है, अब कुछ HCl के इक्विवेलेंट्स तो खर्च हो गए प्योर C से रिएक्ट करने में, अब बचा हुआ जो A है उसमें अब हम फिर से क्या डाल रहे हैं? NaOH, मतलब फिर से नहीं डाल रहे, पहली बार ही डाल रहे हैं, क्योंकि पहले डालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। अब NaOH जितने भी यूज हो रहे हैं उसकी नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन क्या ले लूं? लीटर्स ले लूं, तो ये जो इक्विवेलेंट्स होंगे NaOH के वो हमें क्या बताएंगे? एक्सेस ऑफ HCl, जो बचा हुआ HCl बताएंगे, बचा हुआ HCl बताएंगे ना, क्योंकि कुछ HCl के इक्विवेलेंट तो खर्च होगा किससे रिएक्ट करने में? C से रिएक्ट करने में। तो अब NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी दी है हमें? 0.3, और इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ? 20 मिलीलीटर, मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर, मतलब ये हो गया हमारे पास 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो जरा देखना कि HCl, पहले हमारे पास HCl के कितने इक्विवेलेंट्स थे? 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। C से रिएक्ट कर जाने के बाद जो HCl बचा उसके इक्विवेलेंट्स कितने? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो खर्च कितने हो गए? 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो किसमें खर्च हो गए? C से रिएक्ट करने में ना, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ C क्या होंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ C 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या आ गए? C। अब इक्विवेलेंट से क्या निकालोगे? मोल्स, और मोल्स से क्या निकाल लोगे? मास। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, तो ये होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ C। ये कैसे आ गए, समझ में आ रहा है क्या? तो मोल्स क्या होगा? मोल्स होता है इक्विवेलेंट्स बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना है? 2, क्योंकि इसके पास देने के लिए कितने OH है? 2। तो 19 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या? 2। और इसी से इसका क्या निकाल लेंगे? मास। मास क्या होता है? मोल्स इंटू मॉलिकुलर वेट। तो मोल्स तो हमारे पास है 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू CA का कितना? 40। OH ग्रुप का कितना? 17। और दो OH है तो कितना हो गया? 34। तो मॉलिकुलर वेट कितना हो गया? 74। तो इससे क्या आ जाएगा? मास। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, इनिशियल इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। एक्सेस ऑफ HCl 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, क्योंकि एक्सेस ने ही NaOH से रिएक्ट किया, तो जो NaOH के इक्विवेलेंट्स हैं वही एक्सेस ऑफ HCl के इक्विवेलेंट्स हैं। तो खर्च कितने हो गए? 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। वो किसमें खर्च हो गए? C से रिएक्ट करने में, मतलब यही किसके इक्विवेलेंट्स हैं? C के। और C के इक्विवेलेंट से उसके मोल्स आ जाएंगे, मोल से उसका मास आ जाएगा। इसका जो मास मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है इसमें से 0.703 ग्राम्स, 0.703 ग्राम्स। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी? परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगी 0.703, और सैंपल का टोटल वेट कितना था? 50 इंटू क्या? 100। तो ये जो मेरे पास आंसर है वो है 1.406%, 1.406%। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी तकलीफ हो, कोई भी
इनिशियली HCl के हमें नॉर्मेलिटी भी दी है और वॉल्यूम भी दिया है, तो इनिशियल इक्विवेलेंट्स हमें मालूम है, और C से रिएक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट्स हमने किसके निकाले, एक्सेस ऑफ HCl के, जो कि बराबर होंगे किसके, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के। तो बाद में कितने एक्सेस में बचा, कितना HCl, 6 × 10⁻³ इक्विवेलेंट्स बचे थे, 25 बचे 6, तो खर्च कितने हो गए 19, वो किस में खर्च हो गए, C में, मतलब C के इक्विवेलेंट्स कितने थे 19 थे, 19 × 10⁻³, तो इक्विवेलेंट्स आ गया, इक्विवेलेंट से मोल्स आ गए, मोल्स से क्या आ गया मास आ गया, मास आया हमारे पास 0.703 ग्राम्स, तो परसेंटेज प्योरिटी हो गई सैंपल की कितनी 0.703/50 × क्या 100, समझ गया, हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आएगा तो वो डबल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन में लिखो द पर्पज ऑफ दिस टाइट्रेशन, द पर्पज ऑफ दिस टाइट्रेशन इज टू फाइंड मास परसेंटेज, इज टू फाइंड मास परसेंटेज ऑफ एल्कली मिक्सचर, is to find mass percentage of alkali mixture. The purpose of this titration is to find mass percentage of alkali mixture. ठीक है, paragraph change करके लिखो, let us consider a mixture of NaOH, let us consider a mixture of NaOH and Na2CO3, mixture of NaOH and Na2CO3, weighing W grams. We are also given with HCl of known concentration, HCl of known concentration, ब्रैकेट में लिखना N1 और M1, N1 और M1, इसकी नॉर्मेलिटी को मैं N1 या मोलैरिटी M1 दोनों साथ में लिख सकता हूं क्योंकि HCl का N फैक्टर कितना होता है, तो उसकी नॉर्मेलिटी लें या मोलैरिटी लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वी आर ऑल्सो गिवन विद two indicators, namely phenolphthalein and methyl orange. Phenolphthalein changes its color. Phenolphthalein changes its color in weakly basic medium. इसको अंडरलाइन कर लेना. Phenolphthalein changes its color in weakly basic medium, whereas methyl orange changes its color. In weakly acidic medium, phenolphthalein changes its color in weakly basic medium, whereas methyl orange changes its color in weakly acidic medium. Phenolphthalein की range क्या है? ठाकुर बोल। 7.3 कुछ नहीं थी भैया। पेज पलट गए क्या? 8.32 10, और मिथाइल ऑरेंज की 4.1 से 4.4, तो 7 से जब हम 0 की तरफ जा रहे, 4.4 वीकली क्या हो गया, एसिडिक मीडियम, और 8 से 10 हमारे पास क्या हो गया, वीकली बेसिक मीडियम, क्योंकि अगर पीएच 14 है तो वो हाईली बेसिक है,
और पीएच 0 या 1 है तो वो हाईली क्या है, एसिडिक. तो 7 की तरफ आना कहां से, 0 से, वीकली एसिडिक मीडियम. और 14 से 7 की तरफ आना वो वीकली बेसिक मीडियम. तो जब भी अल्कली मिक्सचर हमें दिया हो और हमें उसका परसेंटेज पता करना हो तो हम कौन सा टाइट्रेशन करते हैं, डबल टाइट्रेशन. और डबल टाइट्रेशन इसको इसलिए नहीं बोलते कि दो बार टाइट्रेट करना है, इसको डबल टाइट्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंडिकेटर कितने, कौन कौन से, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज. फिनोप्थिलीन वीकली बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करेगा और मिथाइल ऑरेंज वीकली एसिडिक मीडियम में अपना कलर चेंज करेगा. ठीक है, तो फिर से समझ लो फिर लिखेंगे अपन. एक सैंपल है जिसमें NaOH है और प्लस सपोज क्या है Na2CO3, इसी को अपन कौन सा मिक्सचर बोल रहे हैं, एल्कली मिक्सचर. NaOH तो एल्कली है तो उसको एल्कली बोलना जायज है, समझ में आता है. क्या Na2CO3 भी एल्कली है, कौन बोलता है ऐसा, तुम बोलते हो Na2CO3 एक एल्कली है ऐसा कैसे बोल सकते हैं अपन. Na एक मेटल है और मेटल के कंपाउंड क्या है, बेसिक है. Na2CO3 को पानी में डालोगे तो NaOH बनेगा और H2CO3 बनेगा, तो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ही क्रिएट करेगा वो. तो Na2CO3 भी एल्कली कहलाएगा और NaOH भी क्या कहलाएगा, एल्कली कहलाएगा. और NaHCO3 दिया हो तो वो भी क्या कहलाएगा, एल्कली कहलाएगा. इस मिक्सचर में अगर NaHCO3 भी और ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे क्या कहलाएंगे, एल्कली कहलाएंगे. ठीक है, अब साहब क्या किया, NaOH और Na2CO3 का जो मिक्सचर था उसको हमने वाटर में डाल के एक सोल्यूशन बना लिया. वाटर में डाल के उसका क्या बना लिया, सोल्यूशन बना लिया. ठीक है, सोल्यूशन बना लिया. इस सोल्यूशन का वॉल्यूम सपोज VML है, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है. और हमें एक एसिड दिया हुआ है HCl, वो हमने ले लिया ब्यूरेट में. जिसकी नॉर्मेलिटी दी हो तो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी दी हो तो मोलैरिटी. ठीक है, अब NaOH और Na2CO3 में ज्यादा बेसिक कौन है, NaOH. ठीक है, तो सबसे पहला एजम्पशन इसमें यह होता है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि सोल्यूशन में है तो NaOH भी और Na2CO3 भी, लेकिन जब HCl डाला जाएगा तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, NaOH. और जब NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके बाद कौन रिएक्ट करना शुरू करेगा, Na2CO3. तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगी कि NaOH की जब रिएक्शन हुई HCl से तो बनेगा क्या क्या, NaCl प्लस क्या, H2O. तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया. तो इसको मैं सपोज कहता हूं रिएक्शन नंबर 1. तो ये सेफली हम अज्यूम कर सकते हैं कि जब HCl से रिएक्शन होगी एल्कली मिक्सचर की तो पहले रिएक्ट कौन करेगा, NaOH. ठीक है, उसके बाद नंबर आएगा किसका, Na2CO3 का. इसकी रिएक्शन करी हमने HCl से तो पहले ये बनेगा NaHCO3 और प्लस एक क्या निकल जाएगा, NaCl. क्यों, क्योंकि दो Na है. ठीक है, और Na2CO3 है तो एक NaCl के साथ चला गया तो NaCl, और उस H की, उस Na की जगह रिप्लेस कौन हो गया, H. तो क्या बनाया उसने, NaHCO3. इसको रिएक्शन नंबर मैं कहता हूं सपोज क्या, 2. अब NaHCO3 SisterOH को पानी में डालोगे तो वो स्ट्रांगली एल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगा, लेकिन NaHCO3 है तो वो कैसा सोल्यूशन बनाएगा, वीकली एल्कलाइन. और वीकली एल्कलाइन बनाएगा तो फिनोप्थिलीन अपना कलर चेंज कर लेगा. तो फिनोप्थिलीन अपना कलर चेंज करेगा तो क्या हुआ कि सपोज हमने HCl ब्यूरेट में 0 रीडिंग से डालना शुरू किया, और इसमें दो इंडिकेटर है, एक तो कौन, फिनोप्थिलीन, और एक कौन, मिथाइल ऑरेंज. ठीक है, तो HCl यहां पे आया, रिएक्ट करता गया तो एक पॉइंट पे आके किसने अपना कलर चेंज कर लिया, फिनोप्थिलीन ने. जैसे ही फिनोप्थिलीन ने अपना कलर चेंज किया हम समझ जाएंगे कि क्या बन चुका है, NaHCO3, क्योंकि अब मीडियम कैसा हो गया है, वीकली एल्कलाइन. ठीक, उसके बाद अभी भी क्या बचा हुआ है, NaHCO3 तो बचा हुआ है, तो तीसरी रिएक्शन क्या होगी कि NaHCO3 में और क्या डाला गया, फिर HCl. तो अब क्या बना, H2CO3 और प्लस क्या बना, NaCl. NaCl तो न्यूट्रल सॉल्ट है, उसका पीएच में कोई लेना देना नहीं है. अब H2CO3 बना जिसको अपन बोलते हैं क्या,
कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड हमें मालूम है H2CO3 डिकम्पोज हो जाता है H2O और CO2 में, तो इसको हम कैसा एसिड मानते हैं? तो अब इस बीकर के अंदर कौन सा मीडियम क्रिएट हो चुका है? वीकली एसिडिक, और वीकली एसिडिक मीडियम जैसे ही क्रिएट होगा तो कौन अपना कलर चेंज कर लेगा? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर लेगा। तो यहां पे मैं कहूंगा कि ये जो है तीसरी रिएक्शन है जिसमें किसने अपना कलर चेंज किया? मिथाइल ऑरेंज ने। और ऊपर वाली दो रिएक्शन होते ही किसने अपना कलर चेंज कर लिया था? फिनोप्थिलीन ने। तो इस पॉइंट को जब फिनोप्थिलीन अपना कलर चेंज करेगा तो मैं बोलूंगा इसको क्या? फिनोप्थिलीन पॉइंट, या इसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड पॉइंट, या इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड पॉइंट। और मिथाइल ऑरेंज जब अपना कलर चेंज करेगा तो उसका नाम या तो अपन बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज पॉइंट, या उसका नाम अपन बोलेंगे सेकेंड एंड पॉइंट। ठीक है, अब जरा ये एक्सपेरिमेंट में समझना कि क्या हो रहा है। सपोज जीरो से लेके मैंने 20 ml तक HCl डाला और किसने अपना कलर चेंज कर लिया? फिनोप्थिलीन ने। तो मैं मान लूंगा कि कितनी रिएक्शन हो गई? दो रिएक्शन हो गई। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? यहां से और HCl डालना शुरू करूंगा, और HCl डालना शुरू करूंगा। तो सपोज मैंने और कितना HCl डाला? 5 ml। तो मैंने यहां से और यहां तक का मिला के कितना HCl डाल चुका था मैं? 20 ml। 20 ml तक क्या बन चुका था? NaHCO3। और NaHCO3 को फर्दर न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने और HCl डाला, तो ये HCl मैंने सपोज कितना डाला? 5 ml। तो फर्स्ट एंड पॉइंट तक मैंने कितना HCl यूज किया? 20 ml। और फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट के बीच में मैंने कितना HCl यूज किया? 5 ml। इन दोनों के बीच में मैंने कितना HCl यूज किया? 5 ml। और ये मेरे पास कौन सा एंड पॉइंट है? फर्स्ट एंड पॉइंट। और ये मेरे पास कौन सा एंड पॉइंट है? सेकेंड एंड पॉइंट। और अगर कोई बोले कि साहब सेकेंड एंड पॉइंट तक कितना टोटल HCl खर्च हुआ है, तो वो 20 + 5 टोटल HCl खर्च हुआ है, जिसमें से 20 ml कहां तक खर्च हुआ है? फर्स्ट एंड पॉइंट तक, मतलब फिनोप्थिलीन के कलर चेंज करने तक, और फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज के बीच में कलर चेंज में कितना HCl खर्च हुआ है? 5 ml। ठीक है, इसकी क्या नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमें मालूम है? अब जरा देखना कि HCl की मुझे नॉर्मेलिटी मालूम है या मोलैरिटी मालूम है। NaHCO3 और HCl अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो HCl का N फैक्टर कितना है? NaHCO3 में से कितना H रिप्लेस हो रहा है, तो N फैक्टर कितना है? तो जो नॉर्मेलिटी की बात करूंगा वही मैं मोलैरिटी की बात कर सकता हूं, या जो मैं मोल्स की बात करूंगा वही इक्विवेलेंट्स की बात कर सकता हूं, या जो मैं इक्विवेलेंट्स की बात करूंगा वही किसके लिए बात कर सकता हूं? मोल्स के लिए बात कर सकता हूं। अब जरा देखना कि यहां पे इसकी मोलैरिटी सपोज क्या है? M1, और इसका वॉल्यूम यूज हुआ है सपोज 5 ml। तो HCl के मोल्स कितने यूज हुए? मोल्स क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी मेरे पास किसकी? HCl की है M1, और क्या है? वॉल्यूम में इंटू 10⁻³ कर दूं मिलीलीटर वाले वॉल्यूम को, तो यही मुझे क्या दे देगा? मोल्स ऑफ HCl। मोल्स ऑफ HCl यहां पे मेरे पास अगर आ गए तो जितने मोल्स HCl के हैं उतने ही मोल्स किसके होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो यहां तक मेरे पास कितना वॉल्यूम यूज हुआ है? 5 ml। तो मैं वॉल्यूम की जगह क्या रख लूंगा? 5। उसकी मोलैरिटी मुझे मालूम है, तो HCl के क्या आ गए? मोल्स। अगर HCl के मोल्स मालूम है तो किसके मोल्स मालूम है? NaHCO3 के। या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं मोलैरिटी नहीं लूं, क्या लूं इसकी? नॉर्मैलिटी, तो मुझे क्या मिल जाएंगे? इक्विवेलेंट्स। और अगर ये दोनों, और मैं इसमें इतनी लिबर्टी क्यों ले रहा हूं? मोल्स तो मैंने बोला कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करें तो मोल्स की बात नहीं करनी। मैं मोल्स बीच में क्यों ला रहा हूं? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दोनों का एन फैक्टर क्या है? 1 है, इसलिए मैं इक्विवेलेंट्स की भी बात कर सकता हूं और मोल्स की भी बात कर सकता हूं। तो जितने इक्विवेलेंट्स या मोल्स HCl के होंगे उतने इक्विवेलेंट्स या मोल्स किसके होंगे? NaHCO3 के। तो NaHCO3 के मोल्स निकल आए। ठीक, अब काम की बात। सबसे ये NaHCO3 थर्ड रिएक्शन में आया कहां से? सेकेंड रिएक्शन से आया ना। तो सेकेंड रिएक्शन में NaHCO3 उतने इक्विवेलेंट्स बनेंगे जितने इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? Na2CO3 के। यही बात समझनी है बस।
उतने ही मोल्स या इक्विवेलेंट्स NaCO3 के सेकेंड रिएक्शन में बने होंगे जितने की मोल्स या इक्विवेलेंट्स किसके हुए होंगे Na2CO3 के, क्योंकि Na2CO3 से ही क्या बन रहा है NaCO3 HCl यूज करके, तो इससे ज्यादा थोड़ी बन जाएगा। जितना Na2CO3 होगा उतना ही कौन बनेगा NaCO3 बनेगा। तो इस रिएक्शन से मैंने किसके मोल्स निकाल लिए और वही नंबर ऑफ मोल्स एग्जैक्टली किसके बराबर होंगे Na2CO3 के, तो Na2CO3 के मोल्स आ गए मेरे पास। तो मेरी पहली बाधा पार हो गई क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन में दो चीजें थी NaOH और क्या Na2CO3। Na2CO3 के जो इक्विवेलेंट्स हैं वो किसके बराबर होंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 के, और NaHCO3 के इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl के। किस HCl के, जो सिर्फ थर्ड रिएक्शन में यूज हुआ है। और थर्ड रिएक्शन में कितना HCl यूज हुआ है, फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट के बीच का, फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट के बीच का। तो ये वॉल्यूम मेरे पास है और मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी मेरे पास है, तो उससे मैं मोल्स या क्या निकाल सकता हूं इक्विवेलेंट्स किसके HCl के। उतने इक्विवेलेंट्स होंगे किसके NaCO3 के, उसके उतने इक्विवेलेंट्स होंगे किसके Na2CO3 के। इक्विवेलेंट्स आ गए तो इक्विवेलेंट्स से क्या निकाल लोगे मोल, और मोल से क्या निकाल लोगे मास। तो क्या आ चुका है मेरे पास, मोल्स इक्विवेलेंट से और मोल्स से क्या मास। तो मैं अभी तक क्या बात कर चुका हूं, क्या निकाल चुका हूं, मास ऑफ Na2CO3। अब मेरे पास क्या बचा करने के लिए काम, मास ऑफ NaOH, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है अपने को। तो टोटल जब तक मास नहीं मालूम होगा, ठीक है, और टोटल मास अगर दिया भी रहे तो इनका इंडिविजुअल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास वही उनका क्या होगा परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो वही निकालना है कि NaOH कितना था और Na2CO3 कितना था टोटल मिक्सचर में से। अब NaOH का निकालना है तो क्या करेंगे, देखो कि यहां से यहां तक जो हमने HCl खर्च किया है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है N1, और उसका वॉल्यूम भी हमें पता है, ठीक है। इस वॉल्यूम को सपोज मैं क्या बोल दूं V2, और इस वॉल्यूम को सपोज मैंने क्या बोल दिया था V1, मतलब फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट के बीच का वॉल्यूम V1, और शुरू से लेके फर्स्ट एंड पॉइंट तक का, शुरू से लेके फर्स्ट एंड पॉइंट तक का वॉल्यूम सपोज कितना है V2, ठीक है। तो इसमें इन दोनों रिएक्शन के लिए HCl के इक्विवेलेंट्स कितने खर्च हुए बताओ तो N1 × V2। उसमें से Na2CO3 के इक्विवेलेंट पहले ही निकाल चुके हैं क्या हम, वो किसके बराबर है इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl के बराबर, और वो उसको क्या बोल रहा है N1 यूज हुआ था और उसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ था N1V1। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl N1V2 ये बराबर है किसके, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 के बराबर, बोलो है कि नहीं है। यहां से जीरो से लेके फर्स्ट एंड पॉइंट तक, फर्स्ट एंड पॉइंट मतलब कौन सी दो रिएक्शन, ये दो रिएक्शन जिनमें कौन कौन था NaOH और Na2CO3। तेरा नाम क्या भाई, तू आगे ही बैठा कर यार, है ना, कुनाल के पीछे तू आगे ही बैठा कर, तभी मेरे को जमता है। फर्स्ट एंड पॉइंट तक कितनी रिएक्शन हुई, दो NaOH और Na2CO3, जिसमें HCl का वॉल्यूम कितना लगा V2, और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी लगी N1, तो उसके मिली इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स कितने होंगे N1V2, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड पॉइंट तक N1 उसकी नॉर्मेलिटी थी, V2 उसका वॉल्यूम यूज हुआ, वो इन दोनों के बराबर है, किसके इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH और इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 के बराबर। और इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 तुम अलग से निकाल चुके हो, वो किसके बराबर है N1V1 के बराबर, क्योंकि वो आपने इस रिएक्शन से निकाला है। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कहां तक, अप टू फर्स्ट एंड पॉइंट तक, माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या Na2CO3। और इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 किसके बराबर है, किसके बराबर है
इक्वलेंट ऑफ NaHCO3 के बराबर, और इक्वलेंट ऑफ NaHCO3 किसके बराबर है? इक्वलेंट ऑफ HCl के बराबर, और इक्वलेंट ऑफ HCl किसके बराबर है? उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के बराबर। नॉर्मेलिटी उसकी नोन है या मोलैरिटी उसकी नोन है, और वॉल्यूम कौन सा लेना है? थर्ड रिएक्शन में वॉल्यूम कौन सा लेना है? फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट के बीच का। कहां? इधर वापस आओ। फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट के बीच का वॉल्यूम क्या देगा हमें? इक्वलेंट्स ऑफ Na2CO3। और शुरू से लेके फर्स्ट एंड पॉइंट तक का वॉल्यूम हमें क्या देगा? इक्वलेंट्स ऑफ NaOH प्लस इक्वलेंट्स ऑफ Na2CO3, जिसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? इक्वलेंट्स ऑफ Na2CO3। तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्वलेंट्स ऑफ NaOH। और इक्वलेंट से क्या निकाल लोगे और मोल्स से क्या निकाल लोगे? तो इसका भी मास आ गया, इसका भी मास आ गया, तो टोटल मास भी आ गया, तो दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन इन मिक्सचर आ जाएगा। समझ में आया? लिखना शुरू करो, फिर एक बार बात कर लेंगे। वी टेक एल्कली मिक्सचर, वी टेक एल्कली मिक्सचर इन वाटर टू मेक अ सोल्यूशन। वी टेक एल्कली मिक्सचर इन वाटर टू मेक अ सोल्यूशन which is titrated with known HCl solution, which is titrated with known HCl solution, which is titrated with known HCl solution. ठीक है? We can safely assume that NaOH will react first. We can safely assume that NaOH will react first and will be neutralized prior to other alkalis. तो रिएक्शन लिखो, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। रिएक्शन नंबर वन, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। रिएक्शन नंबर वन। फिर रिएक्शन नंबर टू, Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaHCO3 प्लस NaCl। रिएक्शन नंबर टू। आगे लिखो, आफ्टर दीज टू रिएक्शंस, आफ्टर दीज टू रिएक्शंस द मीडियम, यहां पे मीडियम क्या हो जाएगा? NaOH न्यूट्रलाइज हो चुका और Na2CO3 भी क्या बन चुका? NaH CO3 बन चुका। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि NaOH तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, तो स्ट्रांग मीडियम तो रहा ही नहीं, अब स्ट्रांग एल्कलाइन मीडियम नहीं रहा, और Na2CO3 भी किस में कन्वर्ट हो चुका? NaHCO3 में कन्वर्ट हो चुका। तो अब जो मीडियम